हेलो स्टूडेंट्स, पोइम्स के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पोइम, नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो ये हमारे सिलेबस में अगली पोइम है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जॉन डन की लिखी हुई है। तो इसका देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद रखने ही हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ये तो आप लिखोगे ही। हर पोइम में हम ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में स्टडी करेंगे। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज ए पोइम अबाउट द इनकंसिस्टेंसी ऑफ फेयर विमिन। ये अच्छे से याद रख लेना है, ये इसकी थीम है। किसके बारे में? ये अबाउट द इनकंसिस्टेंसी ऑफ फेयर वुमन, कि जो सुंदर औरतें होती हैं उनकी इनकंसिस्टेंसी यानी बेवफाई के बारे में है ये पोइम। ए मैन मे परफॉर्म ऑल द इम्पॉसिबल टास्क, एक आदमी सारे इम्पॉसिबल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, यानी असंभव से असंभव कार्यों को वो कर सकता है, परंतु पॉसिबल क्या नहीं है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड ए वुमन हु इज़ बोथ ट्रू एंड ब्यूटीफुल। लेकिन इम्पॉसिबल है एक ऐसी औरत को पाना, फाइंड करना, जो ट्रू भी हो और ब्यूटीफुल भी हो। यानी कवि के हिसाब से ऐसी दुनिया में कोई औरत है ही नहीं जो सुंदर भी है और वफादार भी है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कभी के अपने विचार हैं। पता नहीं किस मूड में उसने ये कविता लिखी थी, उस मूड के हिसाब से उसका दिल टूटा हुआ होगा, किस कोई और किसी औरत ने उसको धोखा दे दिया होगा, तो उसको लगा हो दुनिया की सारी औरतें ऐसी हैं, तो उस मूड में ये पोइम लिखी हुई है। लिटरली इसको नहीं लेना है। तो ये इसकी थीम है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड ए वुमन हु इज़ ट्रू एंड ब्यूटीफुल। तो कौन कौन से इम्पॉसिबल टास्क इसमें पोइट ने मेंशन किए हैं? द फॉलोइंग्स आर द इम्पॉसिबल टास्क विच द पोइट मेंशंस। तो ये आपको याद रख लेने, इसने क्या क्या बताया। अभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक वफादार सुंदर स्त्री नहीं हो सकती। तो पहला टास्क इसमें क्या बताया हमें, कैचिंग ए फॉलिंग स्टार। ये तो पोइम का नाम है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो वो कहता आप कोई टूटा हुआ तारा भी पकड़ सकते हो। गेट ए मैंड्रेक प्लांट विद अ चाइल्ड। मैंड्रेक प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जड़ जो है वो एक बच्चे जैसी होती है, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा है, कोई शिशु है, तो उससे एक बच्चा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो आँखों का धोखा होता है कि ये बच्चा है। तो वो कहता है उससे तुम बच्चा भी ले सकते हो मैंड्रेक प्लांट से। प्रोब द पास्ट, तुम बीते हुए समय को प्रोब कर सकते हो, यानी बीते हुए समय को बता सकते हो कि उसमें वापस कैसे आया जा सकता है वो। यानी वो इसमें इसकी सही लाइन तो ये है कि टेल मी वेयर द पास्ट ईयर्स आर, कि जो समय बीत गया वो कहाँ चला गया, ये भी पता लगा सकते हो कि वो समय कहाँ चला गया, वापस भी ला सकते हो। इम्पॉसिबल टास्क है लेकिन वो कहता कर भी सकते हो। टेल हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, तुम ये बता सकते हो कि शैतान के पैरों को दो भागों में क्लेफ्ट किसने किया। क्लेफ्ट का मतलब चीर देना। तो वहाँ मान्यता है कि शैतान के पैर जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। तो वो कहता ये भी बता सकते हो। हियर मरमेड सिंगिंग, तुम मरमेड की सिंगिंग को सुन सकते हो। ये भी बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, ग्रीक माइथोलॉजी में मरमेड्स आती हैं, जलपरियाँ, तो उनका जो सॉन्ग होता है वो बड़ा ही मंत्रमुग्ध करने वाला होता है और उसको सुनना बड़ा इम्पॉसिबल सा होता है इंसान के लिए। तो वो कहता है ये भी कर सकते हो। बी इम्यून टू द स्टिंग ऑफ एनवी, आगे एक और इम्पॉसिबल टास्क बताया है कि आप ईर्ष्या से बच सकते हो। तो ईर्ष्या से बचना किसी भी इसके भी बस की बात नहीं है, इम्पॉसिबल सा टास्क होता है, ईर्ष्या हर किसी को होती है। तो वो कहते हैं आप इम्यून हो सकते हो, इम्यून का मतलब बच सकते हो, क्षमता आ सकती है आप में प्रतिरोध करने की, स्टिंग ऑफ एनवी, ईर्ष्या के डंक से। तो ये इम्पॉसिबल टास्क हो गया। फाइंड आउट व्हाट एडवांसेस एन ऑनेस्ट मैन, और आप ये भी पता लगा सकते हो कि एक ईमानदार दिमाग, एक ईमानदार दिल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। व्हाट एडवांसेस का मतलब कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ ले जाती है आदमी को ईमानदारी की ओर। ये सारे के सारे इम्पॉसिबल टास्क हैं और वो कहता है ये सारे के सारे इम्पॉसिबल टास्क आप कर सकते हो, परंतु एक काम नहीं कर सकते, और वो काम है सुंदर और वफादार स्त्री को ढूंढना। ओके, तो यही इसकी थीम है इस पूरी पोइम की। ये आप कोई भी कुछ भी ना आता हो इस पोइम से, अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन आ गई हो, कोई भी क्वेश्चन आ गया हो, छोटा आ गया हो, बड़ा आ गया हो, ये आप लिख सकते हो उसमें। कोई भी क्वेश्चन हो चलेगा, आंसर कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का स्ट्रक्चर क्या है, किस वे में लिखी गई है। द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज ए लव पोइम। तो लव पोइम है ये, जॉन डन की लिखी हुई है और इसको सॉन्ग भी बोलते हैं। इट इज़ इन द कोलोक्वल फॉर्म, यही बात याद रखना, कोलोक्वल फॉर्म में है। कोलोक्वल फॉर्म का मतलब है बोलचाल की भाषा में है, ऐसा लग रहा है कि कवि हमसे बात कर रहा है।
द रिदम इज स्पीच रिदम, जो रिदम है वो स्पीच रिदम है, एंड द रिदम चेंजेज एज द आर्ग्यूमेंट चेंजिंग, और आर्ग्यूमेंट के साथ साथ रिदम भी बदल जाती है। आर्ग्यूमेंट वो कई तरह के देता है ना, इसमें ये काम करो वो काम करो। द पोइम इज़ फुल ऑफ हाइपरबले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस पोइम में अतिशयोक्तियाँ बहुत हैं, फॉलिंग स्टार को पकड़ना और बच्चा ले लेना मैंड्रेक रूट से, ये सब अतिशयोक्ति होती है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन इज़ 3 स्टेंजा पोइम, 3 स्टेंजा है, दैट इज़ सेपरेटेड इन टू सेट्स ऑफ 9 लाइन्स, और वो 9 लाइन्स के स्टेंजाज में सेपरेट किए हुए हैं, यानी लगभग 27 लाइन्स हो गई। द लाइन्स फॉलो ए कंसिस्टेंट राइम स्कीम, इनकी एक फिक्स राइम स्कीम है, कन्फॉर्मिंग टू द, ये है राइम स्कीम इसकी, ABAB CC DDD, तो 9 लाइन्स हो गई है, सभी 3 स्टेंजाज हैं, तीनों स्टेंजाज की ये राइम स्कीम है, याद रख लेनी है आपको। द लाइन्स ऑल्सो स्टिक टू ए सिलेबल पैटर्न दैट चेंजेज विद इन द डिफरेंट सेट्स ऑफ राइम, तो एक इसका एक खास सिलेबल पैटर्न भी है, इतना इतना याद कर लेना। द लाइन्स आर ऑल्सो स्टिक टू ए सिलेबल पैटर्न, तो ये छोड़ सकते हो आप, द चेंज दैट चेंजेज विद इन द डिफरेंट सेट्स ऑफ राइम। ओके, तो गो एंड कैच ए फॉलोइंग स्टार में इतना आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे है नेक्स्ट पोइम हमारी, वट इज़ द थीम ऑफ द पोइम द विलेज स्कूल मास्टर, ओलिवर गोल्ड स्मिथ की है ये, और द डेजर्टेड विलेज से ली गई है, याद रखना आपको, ये बताना जरूर है, भले ही एक्सप्लेनेशन आए भले ही क्वेश्चन आए, कि ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ की लिखी हुई है, और ये डेजर्टेड विलेज एक लंबी सी पोइम है, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, जिसमें विलेज स्कूल मास्टर के बारे में बताया गया है। द पोइम द विलेज स्कूल मास्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए लॉन्गर पॉइंट नहीं आएगा यहाँ, पोइम आएगा सॉरी, बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ कोल्ड द डेजर्टेड विलेज, ये वही बात होगी कि ये पोइम क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट होता है एक हिस्सा, उस एक लॉन्गर पोइम का हिस्सा, और वो लॉन्गर पोइम कौन सी है, द डेजर्टेड विलेज है, लेखक है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। आगे पढ़ते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन पोइम्स ऑफ 18th century, तो ये जो पोइम है द डेजर्टेड विलेज, ये बेस्ट नोन पोइम है 18th century की, वन ऑफ बेस्ट नोन पोइम्स। द डेजर्टेड विलेज इज ओबर्न, अब वो विलेज का नाम क्या है, जो द डेजर्टेड विलेज जिस गांव के ऊपर लिखी गई है उसका नाम है ओबर्न, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। द विलेज स्कूल मास्टर हु रैन हिज लिटिल स्कूल वाज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, अब इस पोइम में हमें उस ओबर्न गांव के एक स्कूल मास्टर के बारे में बताया गया। ओबर्न गांव जो होता है उजड़ जाता है, जब शहरीकरण होता है ना तो लोग सारे शहरों की ओर भाग जाते हैं, तो ओबर्न गांव बेचारा उजड़ जाता है, तो उसके ऊपर कवि थोड़ा दुख प्रकट करता है, उस गांव के बारे में बताता है, तो एक एपिसोड आता है स्कूल मास्टर का, द विलेज स्कूल मास्टर का, तो उसको हमारी पोइम में हमारे सिलेबस में जगह मिली है। तो वो विलेज स्कूल मास्टर जो था वो अपना छोटा सा स्कूल चलाता था, रैन हीज लिटिल स्कूल गांव के अंदर, और वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन था, यानी अनुशासित व्यक्ति था, अनुशासन में रखना पसंद करता था सभी को, कड़े अनुशासन में। द स्टूडेंट्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, तो बच्चे उससे डरते थे, दे कुड असेस फ्रॉम हिज फेस, वो उसके फेस से असेस कर लेते थे, अनुमान लगा लेते थे, वेदर दैट डे वुड एनी ब्रिंग एनी मिसफॉर्च्यून और नॉट, कि उस दिन उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है या नहीं होने वाला, यानी उसको शक्ल को देख करके वो पता लगा लेते थे कि आज का दिन कैसा बीतने वाला है, कोई मिसफॉर्च्यून होने वाला है कि नहीं होने वाला, मिसफॉर्च्यून का मतलब कोई बुरी घटना होने वाली है कि नहीं, यानी पिटाई होने वाली है कि नहीं, डांट पड़ने वाली है कि नहीं, तो उसकी शक्ल को देख के वो पता लगा लेते थे। इन स्पाइट ऑफ हिज स्ट्रिक्टनेस द स्कूल मास्टर वॉज ए जॉली पर्सन, हालांकि वो स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्टनेस के बावजूद वो एक जॉली पर्सन था, जॉली का मतलब हंसमुख पर्सन था। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिज जोक्स, बच्चे उसके जोक पर हंसते थे, डर से भी हंसते थे कि हंसना तो पड़ेगा, सर ने जोक सुनाया है। द स्कूल मास्टर वॉज इन रियलिटी ए काइंड हार्टेड पर्सन, रियलिटी में वो काइंड हार्टेड पर्सन था, हिज ओनली फॉल्ट वॉज हिज एक्सेसिव लव फॉर लर्निंग, उसका एक ही फॉल्ट था कि वो लर्निंग के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार शो करता था अपना। एक्सेसिव लव का मतलब जरूर से ज़्यादा प्यार दिखाना, किसके प्रति प्यार था, लर्निंग के प्रति, सीखने के प्रति वो बड़ा ही जरूर से ज़्यादा प्यार दिखाता था, इसको हम उसकी कमी कह सकते हैं। ही कुड राइट वर्क आउट सम सर्वे लैंड फोरकास्ट द टाइम एंड टाइड एंड मेजर द कंटेंट ऑफ ए वेसल, वो ये काम कर सकता था, कौन कौन से काम कर सकता था, ही कुड राइट, वो लिख सकता था, वर्क आउट सम सर्वे, कुछ सर्वे को पूरा कर सकता था, सर्वे करना आता था लैंड का सर्वे, फोरकास्ट द टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड को वो फोरकास्ट कर सकता था,
आने वाले समय में मौसम कैसा रहने वाला है, ज्वार कब आएगा, समुद्र की लहरें कब उठेंगी, ये वो बता देता था। एंड मेजर द कंटेंट ऑफ ए वेसल, और जहाज़ में कितना सामान होगा ये बता देता था, क्योंकि वो जिस गांव की ये कहानी है, वो हो सकता है बंदरगाह हो उसके आसपास, तो वहाँ जहाज आते जाते रहते होंगे, तो वो बता देता था कि इस जहाज में कितना सामान होगा। ये वाज ए मास्टर एट आर्ग्यूमेंट, और बहस में भी वो बहुत ज़बरदस्त निपुण था, मास्टर था आर्ग्यूमेंट का, वाद विवाद का। ये सारी चीज़ें विलेज स्कूल मास्टर की हैं, आपको याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आए ये आपको लिखने ही हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम द विलेज स्कूल मास्टर। अब पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए लॉन्ग पोएम, ये तो वही बात हो गई, डेजर्ट विलेज से लिया गया है, हेरोइक कपलेट में लिखी गई है, याद रख लेना। हेरोइक कपलेट क्या होता है, इज़ रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर में लाइन लिखी होती है हेरोइक कपलेट की। आयाम्बिक पेंटामीटर मैंने आपको बताया हुआ है, आयाम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें दो सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, ये होता है आयाम्बिक। पेंटामीटर का मतलब है पाँच फिट, पाँच फिट का मतलब 10 सिलेबल। ओके, एक फिट होता है दो सिलेबल का, और दो दो सिलेबल के पाँच जोड़े होते हैं, तो 10 सिलेबल हो गए एक लाइन में, और उनका पैटर्न ये होता है कि पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस, तो उसको हम आयाम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो ये आयाम्बिक पेंटामीटर की दो लाइनें होती हैं हेरोइक कपलेट में, इसलिए इसको कपलेट बोलते हैं जोड़ा, और दोनों लाइनें आपस में राइम करती हैं, यानी अगर पहली लाइन की एंडिंग जिस साउंड से हो रही है उसी साउंड से दूसरी लाइन की एंडिंग होगी, तो ये हेरोइक कपलेट है। या कि हेरोइक कपलेट को ही डिस्क्राइब किया गया है, इज रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर एंड टू लाइन्स राइम ईच अदर, दो लाइन उसमें राइम करती है। द लाइन कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल, ये मैंने बता दिया है, आपको याद रखना है, हेरोइक कपलेट तो बहुत सारी पोइम्स में यूज़ होता है तो आपको बताना ही पड़ता है। वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, द हेरोइक कपलेट वाज वेरी फेमस एट द टाइम ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ जिस समय लिखा करता था ना, उस समय पोइट्स की ये फेवरेट लाइन्स हुआ करती थी, इसी इन्हीं लाइनों में वो लिखा करते थे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। अगली पोइम हमारी है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। तो विद अस इज ए पोइम बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तो आपको बताना ही है, ये पोइम एक सोनेट है। द पोइम इज़ वन ऑफ द फेमस सोनेट्स ऑफ द राइटर, तो जितनी भी फेमस सोनेट्स लिखी हैं वर्ड्सवर्थ ने उसमें से ये एक है। ये कंपोज दिस पोइम इन मे 1806, ये भी याद रख लेना, समय 1806 में। इन दिस पोइम ही एक्सप्रेस इज लव फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, इस पोइम में वो अपना लव दिखाता है नेचर के ऑब्जेक्ट्स के प्रति। वर्ड्सवर्थ को हम बोलते ही हैं हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, नेचर का उपासक था वो, उसकी हर पोइम में हमें नेचर के प्रति प्यार देखने को मिलता है। इस पोइम में भी ऐसा ही है, वो नेचर की चीज़ें जो हैं उनके प्रति प्यार शो करता है, और हमें ये बताता है कि हमें नेचर की ओर लौटना चाहिए, नेचर को प्यार करना चाहिए। और वर्तमान में जो आदमी है वो भौतिक सुखों की ओर चला गया है, शहरों में रहने लग गया है, तो वो नेचर की ओर तो बिल्कुल विमुख हो गया है, नेचर की ओर तो देखता ही नहीं है, तो ये इसमें थोड़ा सा वो दुख प्रकट करता है। तो नेचर के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनको हमें पसंद करना चाहिए, द सन द मून द स्काई द सी एंड द विंड्स, इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वो ये कहता है हमें इस पे टाइम देना चाहिए। ही इज़ ग्रीव्ड, वो दुखी है, टू नोट, ये नोट करके, दैट पीपल बिकमिंग मोर एंड मोर मटीरियलिस्टिक, कि लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं। मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, विलासिता का, पैसों के प्रति भाग रहे हैं, इसको देख करके वो दुखी है। दे हैव नो टाइम टू प्रेज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो नेचर के ऑब्जेक्ट्स को प्रेज करें, कि कभी नेचर की खूबसूरती का आनंद लें, सूरज का आनंद लें उगते हुए का, छिपते हुए का, चंद्रमा की रोशनी का आनंद लें, तारे देखें, नदियाँ देखें, खेत देखें, कहाँ समय है इनके लिए। दे डिवोट देयर होल एनर्जी इन कलेक्टिंग वेल्थ, तो वो अपनी पूरी एनर्जी किस में लगा देते हैं, इन काम में, कलेक्टिंग वेल्थ, धन इकट्ठा करने में। दे डिलाइट देमसेल्व्स इन फिजिकल प्लेजर्स, और उनको मज़ा आता है फिजिकल प्लेजर्स में, शारीरिक सुख मिलते हैं जिससे, आध्यात्मिक सुखों की और किसी का कोई ध्यान नहीं है। स्पिरिचुअल जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, जो स्पिरिचुअल हमारे इंजॉयमेंट्स हैं, वो छोड़ दिए हैं। दे वेस्ट देयर टाइम एंड मनी एंड एनर्जी इन फ्रीवोलस इन्जॉयमेंट, ये सारे फ्रीवोलस इन्जॉयमेंट्स हैं, शारीरिक सुख ले लिए, धन से जो चीज़ें मिलती हैं उनका सुख ले लिया, इन चीज़ों को उन्होंने फ्रीवोलस इन्जॉयमेंट कहा है। फ्रीवोलस होता है तुच्छ, तुच्छ आनंद है ये। द पोइट लॉन्ग्स टू हैव द विजन ऑफ द गॉड ऑफ नेचर, पोइट इच्छा करता है, लॉन्ग का मतलब इच्छा करना है, क्या क्या चीज़ की इच्छा करता है, विजन को पाने की, विजन का मतलब है दर्शन।
किसका दर्शन? गॉड ऑफ नेचर का, सच एज ट्राइटन एंड प्रोटिस, वो दो देवताओं के नाम भी लेता है। ये पुराने देवता थे ग्रीक माइथोलॉजी के, क्रिश्चियनिटी से पहले की बात है ये। तो वो कहता मैं तो वो पुराना धर्म ही मानूंगा, मुझे तो पुराना धर्म अच्छा लगता है जिसमें नेचर के ऑब्जेक्ट्स की पूजा होती थी। तो ट्राइटन एंड प्रोटिस जो है वो नेचर के गॉड है। ही वुड लाइक टू बिकम ए पैगन, तो वो पैगन बनना पसंद करेगा। पैगन लोग जो होते थे वो बहुदेववादी थे हिंदुओं की तरह, तो वो हर चीज़ में भगवान देखते थे और नेचर के हर ऑब्जेक्ट की पूजा करते थे। वो कहता मैं तो पैगन बनना ही पसंद करूँगा क्रिश्चियन से, क्योंकि वो नेचर की पूजा करते हैं। ओके, तो ये इसकी अपनी थीम है, इसको आपको याद कर लेना है, हर क्वेश्चन में आपके काम आनी आनी है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं सोनेट का। ये सोनेट है, इट इज़ पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन में दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, टू पार्ट लिखा हुआ है। ये हमने पहले भी कर लिया है, 8 लाइंस ऑक्टेव की है, उसकी राइम स्कीम ये है, ए बी बी ए ए बी बी ए, और दूसरी जो सेस्टेट है उसकी ये है सी डी डी सी सी डी। ऑक्टेव पार्ट में एक प्रॉब्लम पोज की जाती है, तो डिस्कस द स्पिरिचुअल डिक्लाइन, तो उसमें वो स्पिरिचुअल डिक्लाइन शो किया गया है, जो आध्यात्मिक पतन हो गया है, डिक्लाइन हो गया है वो बताया गया है। किसकी वजह से? ड्यू टू मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म की वजह से ये पतन हुआ है। एंड द सेस्टेट शोज़ द डिक्लेरेशन ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ पैगनिज्म ओवर क्रिश्चियनिटी, और सेस्टेट में ये बताया गया कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी से बेटर है पैगनिज्म, बहुदेववाद वाला जो धर्म है, क्योंकि उसमें नेचर की पूजा होती है। तो वर्ड्सवर्थ क्योंकि नेचर का उपासक था, तो वो सोचता है कि भाई नेचर को पूजने वाले बुरे नहीं हो सकते, तो वो तो वही बनना चाहेगा। आगे चलते हैं, ओड टू ब्यूटी, ये जॉन किट्स की है, ओड टू ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, बहुत ही फेमस लाइन है, पहली लाइन है इस पोइम की, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता की एक चीज़ हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है। ओड टू ब्यूटी इज अ पोइम रिटन बाय द फेमस रोमांटिक पोइट जॉन किट्स, जॉन किट्स ने लिखी है, एक्चुअली द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ए लॉन्ग पोइम एंडेमियन बाय जॉन किट्स। तो ये जो पोइम है ना, ये भी किसी लंबी सी पोइम का एक हिस्सा है, लंबी सी पोइम का फर्स्ट स्टैंजा है, पहला स्टैंजा है, और वो लंबी सी पोइम है एंडेमियन, जॉन किट्स ने लिखी है। अब एंडेमियन क्या है? एंडेमियन इज ए लव स्टोरी, एक लव स्टोरी है, किस किस की? शेफर्ड की और द मून गोडेस की, एक चरवाहा है उसकी और एक चंद्रमा की जो देवी है उसके, उनके उनका प्यार की एक स्टोरी है ये। दिस पोइम टेल्स अबाउट हाउ नेचर टेक अवे ऑल द सोरो फ्रॉम अस एंड मेक आवर लाइफ हैप्पी, तो ये भी नेचर के प्रति ही प्यार शो करती है। ये पोइम बताती है कि किस तरह से नेचर सारे दुख ले लेता है हमसे और हमारी लाइफ को अच्छा बनाता है। तो खुशी ढूंढनी है तो नेचर में ढूंढो, पिछली पोइम की तरह ही। अकॉर्डिंग द पोइट द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एंडलेस जॉय, पोइट्स के हिसाब से जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एंडलेस जॉय देती है हमें, ऐसा जॉय जिसकी कोई अंत नहीं है, और वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, और वो हमारे सारे दुखों को दूर कर देती है और हमें कुछ क्षण देती है वंडर और जॉय के, वंडर यानी हैरानी के और जॉय यानी आनंद के। तो ये शुरुआती लाइनों का ही इसका एक्सप्लेनेशन है ये, कि वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एंडलेस जॉय एंड इट्स लवलीनेस कीप्स इंक्रीजिंग, द थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स आवर सोरोज एंड गिव अस ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ वंडर एंड जॉय। याद रखना इसको, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर द सन द मून द ट्रीज डेफोडिल्स स्ट्रीम्स मस्क रोजेस एट्सेट्रा। तो कौन कौन सी जो थिंग ऑफ ब्यूटी इसने बताई हैं वो ये हैं, सन मून ट्री डेफोडिल एक फूल होता है, नदियाँ स्ट्रीम्स मस्क रोजेज, रोज की बेस्ट क्वालिटी होती है मस्क रोज, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। ये वही बात आ गई, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एक फाउंटेन है एंडलेस आनंद का और खुशी का। स्ट्रक्चर क्या है इस पोइम का? ये पोइम भी हेरोइक कपलेट में लिखी हुई है, द पोइम इज द ओपनिंग, ये तो हमने पहले कर ही लिया है, रिटन इन हेरोइक कपलेट, द पोइट हैज यूज इंजामेंट, इसकी खास बात ये कि इंजामेंट यूज़ हुआ है इसमें। इंजामेंट का मतलब है कि लाइन के एंड में सेंस पूरा नहीं होता, उसको आगे भी पढ़ना पड़ता है, नेक्स्ट लाइन में वही सेंस चलता रहता है, उसको बोलते हैं इंजामेंट। कभी कभी क्या होता है कि लाइन के एंड में एक सेंस, एक बात पूरी हो जाती है, इसमें नहीं होती है, तो यहाँ एंजामेंट यूज़ हुआ है। इट मीन्स दैट सेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन, ये मैंने लिख भी दिया है इंग्लिश में, इट मीन्स दैट सेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन, हेरोइक कपलेट हैज़ टू लाइन्स विच राइम एंड ईच लाइन हैज़ 10 सिलेबल। तो वही बात होगी, हेरोइक कपलेट हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको याद रख लेना है। अब आ जाती लास्ट पॉइंट हमारी, सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई है, सॉलिट्यूड रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, पोइम द पोइट सिंग्स ऑफ द प्लेजर ऑफ सॉलिट्यूड। तो इसमें सॉलिट्यूड के क्या आनंद हैं इसके बारे में लिखा है, सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, एकांत।
तो पोइट इसमें सॉलिट्यूड की प्रशंसा करता है कि अकेलापन बहुत अच्छी चीज़ है, इंजॉय करना चाहिए। द पोइट वॉन्ट्स टू लिव ए पीसफुल कंटेंटेड लाइफ अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। तो पोइट एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, कंटेंटेड लाइफ जीना चाहता है, संतुष्ट जीवन जीना चाहता है, वर्ल्ड से दूर, शहर से दूर, एक्चुअली भीड़ भाड़ से दूर। ही वॉन्ट्स टू डाई अनलेमेंटेड। वो चाहता है कि जब वो मरे तो कोई लेमेंट ना करे उस पर, अनलेमेंटेड मरना चाहता है, यानी मरने के बाद कोई रोए ना। एंड विदाउट ए स्टोन टेलिंग वेयर ही लाइज, और ना ही उसके कब्र पे कोई स्टोन रखा जाए। विदाउट ए स्टोन टेलिंग वेयर ही लाइज, वो स्टोन जो बताए कि वो यहाँ दफन है, यानी मेमोरियल स्टोन हम लगा देते हैं ना उनकी कब्र पे। वो कहता नहीं, मेरे मरने के बाद कुछ नहीं पता नहीं लगना चाहिए किसी को कहाँ मैं दफन हूँ, और मेरे मरने के बाद कोई लेमेंट ना करे, कोई रोए ना, ऐसी लाइफ जीना चाहता है। ए हैप्पी मैन नीड्स गुड हेल्थ, साउंड स्लीप, स्टडी इन एन ईजी रेस्टफुल वे एंड इनोसेंट प्रेयर्स टू गॉड। तो एक हैप्पी मैन को क्या चाहिए? हैप्पी मैन कौन होता है? उसको गुड हेल्थ चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी नींद हो, साउंड स्लीप हो, और स्टडी कर रहे। एलेक्जेंडर पोप एक विद्वान व्यक्ति था, बहुत कुछ लिख के गया वो, तो उसका शौक था स्टडी करने का, इसलिए उसने बोला स्टडी, आपको तो पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। एन ईजी रेस्टफुल वे, मतलब आराम से इजीली वो पढ़ पाए, ऐसा माहौल मिले, तो वो हैप्पी आदमी है। एंड इनोसेंट प्रेयर्स टू गॉड, और वो भगवान से इनोसेंट प्रेयर करता रहे, यानी भजन करने को टाइम मिल जाए, बस वही हैप्पी आदमी है। और रियलिटी भी यही है, हम सारी चीज़ें करते किस लिए हैं? कि हमें अच्छी नींद आए, हमें अच्छा खाने को मिल जाए, हमारी सेहत अच्छी रहे। और वो आदमी जिसके पास खूब पैसा है लेकिन सेहत नहीं है, जिसको नींद नहीं आती, तो वो काहे का अमीर हुआ फिर? तो बहुत ही अच्छी बात कही है पोप ने। द पोइट वॉन्ट्स टू लीड द लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड। तो पोइट लाइफ एक सॉलिट्यूड की लाइफ को जीना चाहता है। अपनी मृत्यु के बाद वो क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स टू लाई डाउन इन द ग्रेव। और मृत्यु के बाद वो चाहता है कि वो अपनी कब्र में लाई डाउन यानी लेटा रहे, विदाउट ए मेमोरियल स्टोन ओवर इट, उसके ऊपर कोई मेमोरियल स्टोन ना हो। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। 5 स्टेंजा की पोइम है, हर स्टेंजा में 4 लाइनें हैं। एलेक्जेंडर पोप इज़ फेमस फॉर हेरोइक कपलेट। एलेक्जेंडर पोप अपने हेरोइक कपलेट्स के लिए फेमस है। उसने जितनी भी पोइम्स लिखी हैं फेमस सारी हेरोइक कपलेट में लिखी हुई हैं, लेकिन ये पोइम एक्सेप्शन है, इसमें हेरोइक कपलेट यूज़ नहीं हुआ है। ही इज़ नॉट ही यूज्ड हिज फेवरेट हेरोइक कपलेट। दिस पोइम कंसिस्ट 20 लाइन्स है। इसमें ऑल्टरनेट राइम स्कीम है, बदल बदल के राइम स्कीम आती है, और फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी ए बी, उसके बाद इस राइम जो है बदलती रहती है आगे सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, इस तरह से। एंड द सेम पैटर्न कंटिन्यूज इन द फॉलोइंग स्टेंजास, तो आगे आने वाले स्टेंजास के अंदर सेम पैटर्न रहता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी पोइम्स थी सारी, हमने 2 वीडियोस में कर ली हैं। आप ये ज़रूर पढ़ लेना, याद कर लेना, और लिख के भी आना। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा और भी, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए हैं, तो कम से कम इतना ज़रूर हर पोइम में से आप याद कर लेना, और जिस पोइम, कोई से भी पोइम का कुछ भी हिस्सा आए, एक्सप्लेनेशन आए, बड़ा क्वेश्चन आए, छोटा क्वेश्चन आए, ये लिखाना, और लिख के खूब आना है, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी, उस जो क्वेश्चन जिस पोइम से आया है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पता आया, तो आप लिख के आइए। गलत कभी नहीं होता, कोई पिन पॉइंट आंसर नहीं होता है लिटरेचर में। आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख के आएँ, अधिक से अधिक लिख के आएँ। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, गुड बाय।